हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में सीखेंगे अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। मतलब रेशियो में दिया हो कोई भी नंबर तो उसको परसेंटेज में चेंज करना हो तो किस प्रकार से करते हैं, इसका रूल क्या होता है, किस प्रकार से करते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसे दिया है 1:4, 1:4। इसको हमको बनाना है किस में, प्रतिशत में बनाना है। तो कैसे बनाते हैं देखिए, 1:4 दिया, तो यानी कि ये क्या लिखा है, 1 डिवाइड है 4 से, 1/4, यही तो हुआ ना, 1/4। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। और जैसे ही मतलब प्रतिशत बनाना होता है उसके लिए क्या करते हैं, तो गुणा में 100 करते हैं। किसी भी नंबर का अगर प्रतिशत बनाना हो तो गुणे में 100, और प्रतिशत निकालना हो तो डिवाइड में 100। परसेंटेज हटाना होगा तो डिवाइड में 100, और प्रतिशत बनाना होगा तो गुणे में 100 करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो काटेंगे कॉमन नंबर से, जैसे 4 * 4, 4 से 25 बार कटेगा, तो ये कितना आ गया, 25 * 1, 25 / 1। तो 1 का कोई मतलब नहीं, 25 को 1 से डिवाइड करेंगे 25 से आएगा, यानी कि कितना होगा ये, 25%। 1:4 को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना होगा, 25%। 1/4 को बोला जाए कितना प्रतिशत है, तो 25% है। और आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल। मान लीजिए दिया हो 3:8, इसको बनाना है प्रतिशत, तो कितना आएगा, देखिए 3:8 है, तो क्या करेंगे, यानी कि ये क्या है, 3 को भाग करना है 8 से, 3/8, ऐसे ही तो लिखेंगे, 3/8, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। और हमको प्रतिशत बनाना, प्रतिशत बनाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 * 8 और 4 25 बार 100, 25 * 4 = 100, तो ऊपर में 50 दिया हो जाएगा 75, और नीचे में है 2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 * 3 = 6 और 2 * 7 = 14, 2 * 5 = 10। यानी कि जो 3:8 दिया है, 3:8, वो प्रतिशत में कितना होगा, तो 37.5% होगा। चेंज करेंगे अगर परसेंटेज में तो 37.5% आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे दिया हो 4:10, इसको बनाना हो प्रतिशत में तो कितना आएगा, तो क्या है ये, 4/10 दिया है, और प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, गुणा में 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 10 से 10 * 100 डायरेक्ट कट जाएगा पूरा, और ये 4 * 10 करेंगे तो 40, यानी कि जो 4:10 दिया है वो कितना प्रतिशत होगा, तो 40%। जो 4 है वो 10 का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब ये होता है कि जो संख्या आगे दी है, मतलब अंश बटे हर होता है, तो ये होता है अंश, न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर। जो अगली संख्या दी है वो रेशियो से कितना प्रतिशत अधिक है, जैसे यहाँ था 4 जो है 4 से कितना प्रतिशत है, तो 1/4 का 25% है। उसी प्रकार 3 * 8 का, तो ये है 37.5%। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 10 से 4 कितना प्रतिशत, जो 4 दिया है वो 10 का कितना प्रतिशत, तो यह है 40%। ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे 10 का 50% 5 होता है, तो 40% 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एक और फोर्थ बोला जाए 9:60, 9:60 दिया है, 9/60, तो ये प्रतिशत चेंज करें अगर, मतलब 9 जो है 60 का कितना प्रतिशत, तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे, पहले 9:60 का मतलब 9/60, और प्रतिशत बनाने के लिए गुणा में 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 * 3 = 6 और 2 * 5 = 10, 3 * 3 = 9, और 3 * 5 हो जाएगा 15%। यानी कि जो 9 दिया है वो 60 का कितना प्रतिशत है, तो है 15%। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दिया है 54:120, तो इसको परसेंटेज में अगर बोला जाए कि 54 जो दिया है वो 120 का कितना प्रतिशत है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेंगे, यानी कि जो 54 है वो बताना है 120 से, जिससे बताना होता है वो नीचे लिखते हैं, 120 से ये टोटल है, इसमें से 54 कितना प्रतिशत है, तो जिसका बताना होता है वो ऊपर होता है, जिससे बताना होता है वो नीचे होता है। अब परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100 करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, और 2 * 6 = 12, 2 * 5 = 10, और 6 * 9 = 54। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 * 5, 9 * 5 = 45, 45% हो जाएगा। यानी कि जो 54 दिया है वो 120 का कितना प्रतिशत है, तो वो है 45%। इसका मतलब यही होता है, जो अंश, मतलब ये अंश इसमें से निकाला गया, ये हर होता है, टोटल होता है, इसमें से अंश, जो ऊपर वाली संख्या होती है अंश होती है, नीचे वाली हर, तो अंश जो है हर से कितना प्रतिशत है, ये है 45%। मतलब 54 जो है 120 का कितना प्रतिशत है, ये है 45%। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।